सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। गुरु जी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि हम जूलॉजी विषय में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम आज थायराइड ग्रंथि के हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उनका क्या फंक्शन है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है वो इस प्रकार है। थायराइड ग्रंथि से एक T3 हार्मोन निकलता है और उसे हम कहेंगे ट्राई आइडोथायरोमीन। एक T4 होता है, इसे हम कहेंगे टेट्रा आइडोथायरोमीन। और एक होता है CT या कैल्सिट्रोमीन। यानी थायराइड ग्रंथि से तीन हार्मोन निकलते हैं, T3, T4 और CT यानी कैल्सिट्रोमीन। T3 यानी ट्राई आइडोथायरोमीन, T4 यानी टेट्रा आइडोथायरोमीन, और इसे ही हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। एक होता है कैल्सिट्रोमीन। इस तरह से तीन ये मुख्य हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। अब यदि हम थायराइड ग्रंथि की पोजीशन और हार्मोन्स और उनके बारे में देखें तो इस चित्र के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है कि मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस से TRH नामक हार्मोन स्रावित होता है, थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होकर पिट्यूटरी में पहुंचता है और पिट्यूटरी से TSH का स्राव होता है यानी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस तरह से TRH के नियंत्रण में पिट्यूटरी से स्रावित TSH हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये थायरॉइड ग्लैंड हमारे ग्रीवा वाले भाग में स्थित होती है और इससे फिर तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, T3, T4 और कैल्सिट्रोमीन। इस तरह से इस चित्र के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि ये हाइपोथैलेमस से TRH का स्राव, पिट्यूटरी से TSH निकलता है, इससे थायरॉइड ग्रंथि से T3, T4 और कैल्सिट्रोमीन नामक तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ये देखिए आप इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन या T4 और ट्राईआइडोथायरोमीन या T3 और कैल्सिट्रोमीन T3 और T4 जिसे हम टेट्रा आइडोथायरोमीन या थायरोक्सिन भी इसे हम कहेंगे। हार्मोन संश्लेषण के बारे में हम देखें तो क्योंकि थायरॉइड ग्लैंड में इस प्रकार अनेक गोलाकार फॉलिकल्स पाए जाते हैं, फॉलिकल के चारों तरफ सेल्स की एक लेयर होती है और फॉलिकल से बाहर भी कुछ विशेष प्रकार के सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम पैरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स कहते हैं। इन सी सेल्स से कैल्सिट्रोमीन का स्राव होता है। कैल्सिट्रोमीन जो पैराफुटिकीय कोशिकाएं या सी सेल से निकलता है और ये जो फॉलिकल होते हैं ये फॉलिकल थायराइड ग्रंथि से T4 और T3 नामक हार्मोन का संश्लेषण करके स्रावित करते हैं। मुख्यतः 90% के आसपास थायरोक्सिन यानी T4 स्रावित होता है और लगभग 10% T3 हार्मोन का श्रवण होता है। थायराइड ग्रंथि में अनेक फॉलिकल होते हैं और फॉलिकल की जो प्रत्येक कोशिका होती है इस चित्र के द्वारा जो फॉलिकल की जो सेल है वो यहाँ दिखाई दे रही है, इसे हम थायरॉइड फॉलिकुलर सेल्स कहेंगे। पुट्टी की कोशिका है ये। थायरॉइड ग्रंथि की जो पुट्टी का कोशिका होती है वो ब्लड से आयोडीन को ग्रहण करती है, यानी ब्लड से आयोडीन को ग्रहण करके कोशिका है वो फॉलिकल की कैविटी में पहुंचा देती है। जो आयोडीन होती है वो आयोडाइड के रूप में ग्रहण की जाती है और यहाँ गुहा में वो ऑक्सीडेज एंजाइम से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से जो आयोडीन फॉलिकल की इस गुहा में पहुंचता है वो आयोडीन यहाँ पर जो थायरोग्लोबुलिन भरा रहता है
इसमें एक एमिनो एसिड होता है टायरोसिन, टायरोसिन के साथ में क्रिया करता है और आयोडीन, आयोडीन टायरोसिन के साथ क्रिया करती है जिससे कि MIT यानी मोनो आयोडोटायरोसिन और DIT यानी डाई आयोडोटायरोसिन नामक पदार्थ, यानी आयोडीन और टायरोसिन एमिनो अम्ल के द्वारा MIT और DIT नामक पदार्थ बनते हैं। और यदि दो DIT के अणु आपस में जुड़ते हैं यानी DIT प्लस DIT तो T4 नामक कार्बन बनता है यानी टेट्रा आयोडोथायरोडीन या थायरोक्सिन बनता है। इसी प्रकार यदि एक DIT और एक MIT आपस में जुड़ते हैं T3 नामक कार्बन बनता है यानी ट्राई आयोडोथायरोडीन। इस तरह से फॉलिकल की जो कैविटी है वहां पर जो T3 और T4 दोनों हार्मोन का संश्लेषण होता है यानी जो ब्लड से आयोडीन है वो सेल्स के थ्रू कैविटी में पहुंचती है और ये आयोडीन टायरोसिन एमिनो एसिड से क्रिया करके MIT DIT नामक पदार्थ बनाती है और DIT और MIT आपस में क्रिया करेंगे T3 बनेगा, DIT DIT आपस में क्रिया करेंगे तो T4 बनेगा। इस तरह से जो फॉलिकल की जो कैविटी होती है वहां इन दोनों हॉर्मोन्स का संश्लेषण होता है। इस चित्र में भी यही दिखाया गया है कि जो आयोडीन है उसे सेल में पहुंचने के बाद पेप्टिडेज के नाम द्वारा जो आयोडाइड है वो पेप्टिडेज के द्वारा आयोडीन में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद में टायरोसिन से क्रिया करके वो MIT DIT में बदल जाता है। यदि DIT DIT आपस में क्रिया करेंगे तो T4 बनेगा, DIT MIT आपस में क्रिया करेंगे तो T3 बनेगा। थायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाले तो T4 T3 कैल्सिटोनिन ये जो हॉर्मोन्स होते हैं शरीर में बहुत से कार्यों को पूर्ण करते हैं जैसे जो थायरॉइड हार्मोन है उनका शरीर के जो वृद्धि है ग्रोथ है डेवलपमेंट है उन पर भी इनका नियंत्रण होता है। जो हार्ट बीट है हार्ट रेट जो है ब्लड प्रेशर है उसे भी ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स है उनके संश्लेषण की क्रियाओं को भी ये प्रभावित करता है। इसके अलावा थायरॉइड ग्रंथि के जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे जो BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसमें भी वृद्धि करते हैं। जो ऑक्सीडेशन रेट है उसको भी वो बढ़ाते हैं, रेस्पिरेशन रेट है वो भी बढ़ती है, एनर्जी का उत्पादन भी अधिक होता है। इस तरह से यह ग्रंथि शरीर में अनेक कार्य हैं उनको संपादित करती है। इस चित्र के द्वारा भी ये दिखाया गया है कि थायरॉइड ग्रंथि के जो हॉर्मोन है वो किन किन अंगों को प्रभावित करते हैं जैसे हार्ट के फंक्शन है उनको भी ये प्रभावित करते हैं, डाइजेशन है, ब्रेन का डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी थायरॉइड के हार्मोन है वो अत्यधिक उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि थायराइड के हार्मोन है वो ग्रोथ डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म बॉडी का जो टेम्परेचर है हार्ट रेट है आदि क्रियाओं को ये प्रभावित करते हैं। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है वो सी सेल से निकलता है यानी जो फॉलिकल्स के बाहर जो पैराफिटिक कोशिकाएं होती है वहां से ये निकलता है, मुख्यतः कैल्शियम की मात्रा को यह कंट्रोल करता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि के जो T3, T4 और कैल्सिटोनिन नामक जो हॉर्मोन होते हैं शरीर में बहुत से कार्यों को